Welcome students in lecture number 1. In this lecture we will study Laplace transform. The summary of the lecture is as follows. First of all, we will see some applications. Then we will see the definition of Laplace transform, sufficient condition for existence of Laplace transform, and Laplace transform of some elementary functions. How to find the Laplace transform of such elementary functions, we will see at the last. So we'll start from the application of Laplace transform. क्योंकि हम कुछ भी study करते हैं mathematics में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इस topic की application क्या है, हम इसको कहाँ apply कर सकते हैं. तो Laplace transform एक बहुत important part है mathematics का. बेसिकली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस, क्योंकि हर तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म वर्क्स ऑन अ फंक्शन एफ टी, अ फंक्शन ऑफ एफ टी पर ये वर्क करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म. और ये इस फंक्शन को जब हम इस पे लाप्लास अप्लाई करते हैं इस फंक्शन पर, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब इस फंक्शन पर अप्लाई होता है तो ये इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल पी, एफ पी. तो इसी तरह से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पर अप्लाई करते हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम इनिशियल कंडीशन into algebraic equation. What you will get when you apply Laplace transform on differential equation, you will get an algebraic equation. Algebraic equations तो सबको पता है क्या होती हैं. तो algebraic equations को solve करना आपके लिए आसान है as compared to differential equations. जब हम एलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो भी एक इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा, राइट? एंड व्हाट वी विल डू इज ऑन द सॉल्यूशन वी अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो उससे हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें इस प्रोसीजर के थ्रू मिला है. सबसे पहले हमने इस पर लाप्लास अप्लाई किया, लाप्लास से हमें ये इक्वेशन एलजेब्रिक इक्वेशन में मिल गई, एलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, फिर सॉल्यूशन पर हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो हमें सॉल्यूशन जो मिला, दैट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इन दिस वे वी विल सॉल्व, वी ट्राई टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट कन्वर्ट्स द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम गिवन इनिशियल कंडीशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन, एंड दैट अलजेब्रिक इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ एफ पी. एफ पी की टर्म्स में होती है इक्वेशन. एंड देन यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट back the solution in original form.
So this is how we solve the differential equations. We can also solve the integral equations. We can also solve integral equations. Using Laplace transform. Okay. So these are two main applications of Laplace transform in solving differential equations. Now let us come on the definition of Laplace transform. So we define Laplace transform. So let function ft is defined for all real t greater than or equal to 0, then Laplace of such function is defined as integral 0 to infinity e raised power minus pt ft dt. And the function that we obtained is in terms of p, that's why it is denoted by fp. So fp se denote karte hain, jo bhi hame answer milta hai use hum fp se denote karte hain. Provided ye definition tabhi true hoti hai jab ye integral ki value exist karti hai. So provided the value of this integral exist for some values of p. This is how we define the Laplace transform. Now it is not necessary that for every function the value of this integral exists. There is a condition called sufficient condition for the existence of Laplace transform. Sufficient condition for existence of Laplace transform. That condition is if जो हमारा function ft है is a function of class A, means it if it belongs to class A, then Laplace of ft exist. What is the meaning of class A? Class A mein we have two things. One is piecewise continuous
एंड सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. मीन्स अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है देन इट बिलोंग्स टू क्लास ए. और फंक्शन अगर क्लास ए को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. लेकिन कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू. मीन्स इफ लाप्लास ऑफ सम फंक्शन एग्जिस्ट देन वी कैन नॉट से दैट इट विल बिलोंग्स टू क्लास ए. इट मे हैपन दैट द फंक्शन डजंट बिलोंग टू क्लास ए बट स्टिल इट्स लाप्लास एग्जिस्ट. But if if the function belongs to class A, then its Laplace will definitely exist. तो अब हम एक एक करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि piecewise continuous और exponential order का क्या मतलब होता है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की. किस फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं, किस कंडीशन में कहते हैं, ये सब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे. तो कंटिन्यूस फंक्शन की तो डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी कि फंक्शन कंटिन्यूस होने का क्या मीनिंग होता है. इसमें पीस वाइज एक वर्ड नया ऐड हुआ है तो पीस वाइज से थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आता है. मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. मान लीजिए ये फंक्शन का ग्राफ है और मैंने इस ग्राफ को जो कि इंटरवल जीरो से सपोज टी के बीच में है, ये पॉइंट टी है मान लीजिए, या टी फाइव मान लीजिए, ये है इंटरवल, यहाँ पे ये पॉइंट है ए इज इक्वल टू टी वन. मैंने इस इंटरवल को पीसेस में डिवाइड कर दिया है. दिस पॉइंट इज टी टू, दिस पॉइंट इज टी थ्री, दिस पॉइंट इज टी फोर एंड दिस इज टी फाइव. ओके, ये मैंने इसके इस पूरे इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है. अब हर सब इंटरवल में मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ. हर सब इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ डिफरेंट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. ये फंक्शन का ग्राफ है तो आप नोट कर सकते हो कि फंक्शन एज अ होल कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे कई जगह ब्रेक्स हैं. जैसे टी थ्री पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है. फंक्शन एज अ होल कंटिन्यूस नहीं है लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सब इंटरवल्स की बात करें, जैसे इस इंटरवल की बात करें टी वन टी टू, तो इस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ ये है. इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है. इसी तरह अगर आप टी टू टी थ्री इंटरवल देखें तो इस इंटरवल में भी ये ग्राफ फंक्शन कंटिन्यूस है. हर सब इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो यही पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है. इस मीन्स अगर फंक्शन एज अ होल may not be continuous but it is continuous in each sub interval
then the function is said to be piecewise continuous function. तो अगर आप function जिस interval में define है उस interval के हम finite number of sub intervals में divide करके देखें, हर sub interval में divide करें उस function को, तो उस हर sub interval में function अगर continuous है then this function is called piecewise continuous function. एक और example हम देख सकते हैं. Example number 2. Suppose ft is defined as t plus 4 for t less than 0, t square for t lies between 0 and 5, and 7 for t greater than or equal to 5. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. Let me take the straight line so that graph would be neat and clean. Here we have minus 6, minus 4, minus 2. थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो गया. माइनस 4, माइनस 2, 0. ओके, दिस इज 2, 4, 6, एंड हियर वी हैव 5, 10, 15, 20. तो t less than 0 के लिए means graph is t plus 4. This will pass through minus 4. So let me draw a straight line passing through minus 4. So we can take the help of straight line like this. And then from 0 to 5 onwards, it is a parabola. And from 5 onwards, let me draw it again. थोड़ा सा हमें इसको 5 पर ही उसके बाद 5 onwards we have a straight line and its value is 7, so this will be like that. Okay, so this is a graph. You can see this function as a whole is not continuous, but in sub intervals, like in this sub interval it is continuous, in this sub interval it is continuous, in this sub interval it is continuous, in each sub interval this function is continuous. So this function is piecewise continuous function. Is that clear? I think आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है. अब हम क्लास ए में जो सेकेंड हमारा पार्ट है दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है.
अ फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। किसी भी फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का तब कहते हैं इफ लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ई रेज पर माइनस सिग्मा टी एफ टी is less than m, where m is a real number. हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, limit t approaches to infinity और वी कैन राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज और मॉड ऑफ एफ टी लेस देन एम ई रेस पावर सिग्मा टी for all t greater than or equal to t naught means the function should be bounded by exponential function, then such function is called exponential function or a function of exponential order. ऐसे function को हम exponential order का function कहते हैं जो exponential function से bounded होता है, means उस function की कोई भी value किसी भी पॉइंट पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू से हमेशा लेस हो, उससे एक्सीड ना करे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके, तो अगर हम पहले वाला डेफिनेशन यूज करें, लिमिट मीन्स हम लिमिट फाइंड करें, किसकी लिमिट e रेस टू द पावर माइनस सिग्मा टी एफ टी, एफ टी है टी स्क्वायर, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी टी स्क्वायर अपॉन e रेस पावर सिग्मा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम. अगर आप एलोपिटल रूल जानते हैं तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2t डिवाइडेड बाय सिग्मा ई रेस पावर सिग्मा टी. वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन दिस इज अ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वी अगेन अप्लाई एलोपिटल रूल. So this is equivalent to 2 upon sigma square e raised power sigma t. Now this comes out to be 0. So you can see the limit of this function, this expression. इस expression की limit किसी भी real number से छोटी होनी चाहिए, ये definition ही कहती है. तो इसकी limit 0 आ रही है, and 0 is less than any real number. So this condition is called the condition of exponential order. If this limit exists, then we say that this function is of exponential order. So class A के लिए
वी हैव टू कंडीशन, वन इज द फंक्शन शुड बी पीस वाइज कंटिन्यूस एंड अनदर इज द फंक्शन शुड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. दिस कंडीशन इज कॉल्ड सफिशियंट. मीन्स इफ फंक्शन बिलोंग्स टू क्लास ए देन वी कैन से दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन विल डेफिनेटली एग्जिस्ट. But it is not necessary condition. Means if the condition of this theorem means not satisfied, means अगर function class A को belong नहीं करता है, ये condition satisfied नहीं होती है, still also Laplace transform of that function may exist. We cannot say anything about that, about the existence of Laplace transform. So the condition of class A is only the condition of sufficiency, not necessary condition. So remember, if sufficient condition satisfied, Laplace transform exists, but if it is not satisfied, then still Laplace transform may or may not exist. और इसका एक example मैं आपको बताती हूँ. इस example है ft is equal to 1 upon square root of t. ये ऐसा function है जो piecewise continuous नहीं है. अगर आप इसको draw करेंगे, ये पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. तो ये काउंटर एग्जाम्पल है ये प्रूफ करने के लिए कि इफ द फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू क्लास ए देन स्टिल ऑल्सो इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट. Okay, so our next topic is Laplace transform of some elementary functions. तो एलिमेंट्री फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन. बहुत एलिमेंट्री फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे. बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज डिफाइंड एज इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ टी ई रेस पर माइनस पी टी एफ टी डी टी. Okay, so this is simply the integration of this function, which is e raised to power minus pt over minus p. Then we apply the limit on upper limit, this will be 0, and or lower limit it will be 1 upon p. So the Laplace transform of 1 is 1 upon p. So we हम इसको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं. सेकेंड इज
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर एन. अगेन वी यूज द डेफिनेशन, 0 to infinity रेस पावर माइनस पी टी टी रेस पावर एन डी टी. वी यूज द सब्स्टिट्यूशन हियर, वी पुट पी टी इज इक्वल टू एक्स सो दैट पी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, डी टी इज इक्वल टू 1/PTx. We substitute here, limit will not change, e raised power minus x, x upon p, n, 1/P dx. This is equal to 1/PN+1, 0 to infinity e raised power minus x, x raised power n dx. We can write it as 1/P N+1, 0 to infinity e raised power minus x, x raised power N+1 -1 dx. Simply we have added and subtracted 1 because this is a gamma function. If you know the formula, let me write integral 0 to infinity e raised power minus pt t raised power n dt 1/PN+1 gamma n plus 1. So this is the formula. ये जो integration है ये gamma function है, इसकी value होती है gamma n plus 1. So that's why the value of this integral is 1/PN+1 gamma n plus 1. And gamma n plus 1 is defined as n factorial if n is a positive integer. Otherwise, it will remains gamma n plus 1. So Laplace transform of t raised to the power n is defined as 1/PN+1 into gamma n plus 1. This is another formula to remember. Third one is Laplace of e raised to the power at. So this is ft. The function which is given to us is denoted by ft. So Laplace of e raised power at by definition
is obtained by integral 0 to infinity e raised power minus pt ft. Ft here is e raised power at dt. We can write this as integral 0 to infinity e raised power minus p minus a t dt. This is simply a constant. So e raised power minus constant into t, its integral is e raised power minus p minus a t divided by minus p minus a. Apply the limits. So this is equal to, on upper limit this will be 0 and on lower limit this will be 1, and this is 1 upon p minus a. So Laplace transform of e raised power at is simply 1 upon p minus a, where a is positive. When a is negative, it will be p plus a. Next one is Laplace transform of sine hyperbolic at. Sine hyperbolic at ko hum in terms of exponential function likh sakte hain. So we can write this as e raised power minus pt into sine of h at dt. This is equal to 0 to infinity e raised power minus pt e raised power minus at, sorry, plus minus e raised power minus at whole divided by 2 dt. So we can divide this whole integral into two parts, where one part is 1 upon 2 integral 0 to infinity e raised power minus p minus a t dt, and another one is 1 upon 2 integral 0 to infinity e raised power minus p plus a t dt. So we integrate them separately. This is e raised power minus p minus a whole divided by minus p minus a. And we have t also here. E raised power minus p plus a whole divided by minus p plus a 0 to infinity. Upper limit per both of these will be 0, and on lower limit this will be 1 upon p minus a minus 1 upon p plus a. When you solve this, we will get a upon p square minus a square.
इज ग्रेटर देन ए। एंड पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन माइनस ए। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज डिफाइंड एज ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Similarly, we can find Laplace transform of cos hyperbolic at in the same way, and we can replace cos hyperbolic at by e raised power at plus e raised power minus at whole divided by 2, and we can proceed in the same way. So rest of the examples we will cover in the next class. Okay. Thank you very much. And if you liked my lecture, please subscribe my channel to get the notification of more new videos on mathematics. On new topics. Thank you so much.